वही कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे सोनू राजावत का जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी कार्यालय पर जिला कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत कर नई पारी की शुरुआत की बधाई दी। आपको बता दें कि सोनू राजावत ने ग्वालियर के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं से भेंट की और इस दौरान सोनू राजावत ने कहा कि समाजवादी पार्टी में उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और इसी के चलते आम आदमी और गरीबों की पार्टी कांग्रेस का उन्होंने हाथ थामा है। हम लोगों ने 17-18 साल समाजवादी पार्टी में कार्य किया, यूथ के जिला सचिव से लेके युवा का प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में ग्वालियर जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गरीब बेसारा मजदूर वर्ग की जो आवाज़ उठाना चाहिए थी, इस बार निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से मैं उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने जीवन का जो बचा हुआ समय है वो कांग्रेस पार्टी को दें और निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन 29 तारीख को कमलनाथ जी के समक्ष हम लोगों ने भोपाल में सदस्यता ली